पहला ही क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तुम लोग से कि फेवरेट फूड क्या है आदर्श, तो बताओ। मोंग का हाँ, भाई बता दे भाई, ये तो देखो पता होना चाहिए भाई, ये तो देखो पता होना चाहिए। डोसा जैन, लेट्स गो। दाल चावल, दाल चावल बेस्ट है। इवन आई लव हम लोग डिनर करके आएंगे बाहर से, आदर्श बोलेगा अच्छा अब दाल चावल बनेगा, ऐसे ऐसे वाले हाल होते हैं। आदर्श, मोंग का फेवरेट सीजन कौन सा है? हाँ, फेवरेट सीजन मेरे को लगता है ऐसे विंटर, पहाड़ी आदमी ना सर्दियाँ पसंद है। हाँ, इसको ज्यादा सर्दियों में फायदे भी ज्यादा होते हैं ना, तो मोंग को ऑब्वियसली पानी में डूबना है, तो मैं बोलूंगा रेन, मतलब बिल्कुल क्या होता है मानसून, नहीं है क्या? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, एक तो मैं विंटर ही पसंद होगा। हाँ हाँ विंटर यार, कितना मस्त होते रहो। अरे विंटर अच्छा। इस आदर्श कैट पर्सन और डॉग पर्सन? नीदर, कोशिश को कुत्ते और बिल्ली दोनों ने का धोखा दे दिया काट के। अरे यार बिल्ली ने क्या किया तुम्हारे साथ? बिल्ली ने काटा नहीं यार, बट बिल्ली से वैसे ही डर लगता है, बिल्ली थोड़ी और हमारी बिल्ली थी, उसका नाम नहीं बोलूंगा, हमारी बिल्ली थी हमारी, तो वो ना हमें टाप के भाग गई, मतलब हम लोग उसको खिलाया पिलाया बड़ा करा और वो एक दिन भाग गई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई, तो तब से हम लोगों को बिल्ली पसंद नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं, ओके। और मेरे को कुत्ते पसंद थे, मेरे को एक हफ्ते पहले तक कुत्ते पसंद थे, लेकिन एक हफ्ते के पहले से रिसेंटली मैंने किसी का स्टोरी देखा था, वो डॉग बाइट वाला, तुम दोनों में से किसका था वो? वो मेरा मेरा था। अरे इंजेक्शन भी लगाना था ना, एक और बच्चा शायद। हां एक अभी भी इंजेक्शन लगनी है 31 को है यार। कैसा लग रहा है? मेरे को पहली बार कुत्ता काटा है किसी ने जिंदगी में, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। When I was 8 years old, और मैं एक शॉप के बाहर पे जो बेंच नहीं होते बैठने के, वहाँ पे बैठ के मैं वो क्रीम वाले बिस्किट्स होते ना वो खा रही थी, एंड एक डॉग, मतलब वो किसी का पालतू ही था, बट वो एकदम से आया, अचानक से मेरे पे जंप कर दिया और मुझे नीचे गिरा दिया, पूरा स्क्रैच कर दिया था मेरा हाथ, मेरा नेक, दैट्स सो हॉरिबल। उसके बाद से मैं डॉग से दूर ही थी, बट अभी मेरे फैमिली में रिसेंटली एक डॉग आया है मेरी छोटी बहन के पास है। ये थोड़ा क्वेश्चन वियर्ड लगेगा सुनने में, बट मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आदर्श की सबसे फेवरेट पोजीशन कौन सी है सोने की, मतलब जब सोते हैं तो उसका फेवरेट? आदर्श आदर्श सोता नॉर्मल है, धीरे 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 करके आदर्श वो जो होता है ना, वो बटरफ्लाई बनने से पहले क्या होता है, कुकू नहीं बनता वो, जैसा श्रिंक होता रहता है। तो आदर्श को आप एक सूटकेस में बंद कर सकते हो जब आदर्श एकदम गहरी नींद में। अभी मोंग का ऐसा कुछ है आदर्श, तुमने नोटिस किया? हां मेरा कौन सा बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है? मैं बताता हूं, अगर कोई गलती से इसके पास में सो जाए हां, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी, उसके ऊपर पैर वैर सब रख के ये मस्त, मतलब ये पूरे लेग्स वगैरह स्प्रेड करके सोता है और तुम एकदम जैसे छोटू से हो जाते हो सोते टाइम। मैं भी, मेरी भी आदत है, मैं नीज फोल्ड, मतलब अपना ये पूरा फोल्ड कर लेती हूं पैर सोते, मतलब वैसे मेरी हैबिट है। आई थिंक जो लोग पतले होते हैं उनकी आदत होती है, आई थिंक। हाँ, मेरे को, मैंने भी ये नोटिस किया है। हाँ बताओ, हाउ मेनी किड्स यू वांट आदर्श? मैं, अरे नहीं मतलब ये मैं तो बताने वाला था, तीनों से पूछ लिया तो मॉक तुम बताओ। आई थिंक दो बच्चे, बात तो सही है। मॉक का इतने हो जाए कम है क्या? सही बात है, खेतों में काम करने के लिए बहुत लोग चाहिए। तुम पे ये लाइन एप्लीकेबल होगी, ध्यान रखना। मॉन्क, आदर्श का बर्थडे कब आता है? 14 सितंबर 2001। यू 2001 बॉर्न? ओ मैं 2000 हूँ, तुमसे एक साल बड़ी हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच में, मेरा है 18 सितंबर 2000। मैं पीछे करवा लेता हूँ अपनी डेट। नहीं यार, इसको
यहाँ पर भी ये करना है, ठीक है यार। मतलब हमारा बर्थडे मंथ सेम है, चार दिन। हाँ, चार दिन। 18 सितंबर आपका है ना शायद? हाँ हाँ हाँ, अभी बताया मैंने जस्ट। नहीं नहीं, मेरे को याद था, याद है, याद है। ये अच्छी चीजें याद रखता हूँ, ये तो मेरे को भी याद था। ठीक है, एक काम करती हूँ ना, हु नोस होम बेटर की जगह ये कर लेती हूँ। मेरी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी ने बोला था बड़ी लड़की लाना, तो चले तू। Let's move guys, आगे ठीक है। एक दूसरे के क्रश बताना है तुमको, कोई भी हो सकता है वो। अरे फिट जाएगा मेरा हाथ से फिट, ठीक है, ज्यादा मत बोल। दोनों के सेम है क्या? अरे बस बस सेम भाई, उन्हीं की वीडियो में आए हैं बस। हाँ बस वही चल रहा है। तुम फेवरेट से आगे यार, सीरियसली पूछ रहे अब जो सच है उसको बदल तो नहीं सकते, अगर आप चाहते हो हम कोई और बोलते तो हम बोल देते हैं। मैं 5-5 घंटे की स्ट्रीम देख लेता हूं। अरे मैं तो मैंने तो वॉलपेपर भी आपकी फोटो लगाई है। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है, ये टू मच हो रहा है, बस हो गया, थैंक यू सो मच। मैं तो मजाक भी नहीं कर रहा। अच्छा वीडियो में दिखा दूं कैसे? अरे मेरा कैमरा एक से, अरे यार मैंने ना डायरेक्ट आईडी कैम से रिकॉर्ड कर लिया। ये देखो, ये रहा मेरा वॉलपेपर। कौन सा है? वही वाला है क्या जो थंबनेल में था? हाँ, शादी ब्लॉग वाला। गाइस हो गया हम लोग का कंप्लीट, सारे क्वेश्चन पूछने एक दूसरे से, और आधी तो चीजें मेरे ऊपर आ गई, एंड आई थिंक दोनों ने इक्वली आंसर्स दिए यार। मतलब किसी को एक पॉइंट मिल रहा है, किसी को नहीं। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, एंड आई होप ये दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही रहे, मतलब हमेशा ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और ये लोग यही चीजें इनके ओमेगल पे भी करते हैं, तो आप भी लोग जाके देख सकते हैं। वैसे भी देखा ही होगा यार, मैंने काफी वीडियोस रिएक्ट भी किए। तो ओके गाइस, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तुम।